ग्राम पंचायत विजय मालूप सरपंच सोहन लाल रात्रे। ग्राम पंचायत को सरपंच है आप? अभी कांग्रेस का कार्यकाल चल रहा है अभी पिछले 4 सालों से, अभी पूरा होने वाला है लगभग, तो कांग्रेस के कार्यकाल में क्या क्या विकास काम है? क्या सीसी रोड हुआ है बस? और ग्राम पंचायत में सीसी रोड ही मिला है? हाँ, नहीं मिला। नहीं। और कौन कौन सा आश्रित गांव आते हैं यहाँ पे? हाँ, श्रीरामपुर है, भजपुरी है। उनमें क्या क्या बना है उन गांव में? वहाँ एक तो पचरी चल रहा है। अच्छा, गोठान बना है? गोठान बन गया है। नल जल योजना का लाभ मिल रहा है? अभी तो नहीं मिल रहा है, लेकिन काम चालू है। अच्छा, नल जल का काम चालू है, अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ? नहीं हुआ। पीसी भाग द्वारा जो बनाया जा रहा है वही ना? हाँ हाँ। और क्या क्या काम मिला है ग्राम पंचायत को कांग्रेस के कार्यकाल में? ग्रामीण पंचायत का जो फंड से आता है वही से काम हो रहा है बस। कोई नया भवन बनाए हैं आप, जैसे स्कूल है, आंगनबाड़ी? नहीं नहीं, स्कूल एक तो बना है और ये सामुदायिक भवन बना है भजपुरी में। इसके बाद कुछ नहीं? तो अभी कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव है, कौन कौन प्रत्याशी लोग यहाँ जनप्रतिनिधि लोग संपर्क कर रहे हैं चुनाव के लिए? भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, जिसको आप जानते हैं बताइए। हमारा तो कांग्रेस से चलता है। अच्छा, आप कांग्रेस कार्यकर्ता समर्थन है आप? तो मतलब किसान लोग कितना खुश है कांग्रेस से? सब खुश हैं। सब लोग खुश हैं? मजदूर लोग? मजदूर भी खुश हैं। कई ग्राम मजदूरों ने बताया कि सिर्फ किसानों का भलाई किया जाए? नहीं 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 नहीं, रोजगार गारंटी क्यों चला रहा है उन्होंने? लेबर लोगों का तो चला रहा है, लेकिन रोजगार गारंटी में जो काम कर रहे हैं उनका कहना है कि 3 माह 6 माह हो गया आज तक भुगतान नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन बोलता है उसको? ऐसी जो हमारे पास शिकायत क्यों नहीं करते हैं? ऐसे हितग्राही हैं जो कहना है। अभी बताइए, मतलब कांग्रेस बसना विधानसभा से किसको टिकट मिलने का उम्मीद है कांग्रेस से? कांग्रेस से अब देखो जी, राजा को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। राजा जी के कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? हम तो संतुष्ट हैं जी। हम काफ़ी सारे गांव जाते हैं तो सुनने को मिलता है राजा जी का जनसंपर्क जो है ग्रामीणों के बीच नहीं रहता है। हाँ, जनसंपर्क नहीं रहता है रहने के लिए। क्या आपके गांव में आए हैं राजा साहब के? हमारे यहाँ तो आते हैं जी। अच्छा, आपके यहाँ कार्यक्रम में जब बुलाएंगे तभी आते हैं भाई। आपके गांव में और क्या क्या मुद्दे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में? आपके गांव के ग्रामीण किन किन मुद्दों को लेकर वोट करना चाहेंगे? हमारे यहाँ तो टोटल कांग्रेसी हैं। मतलब मुद्दा क्या रहेगा, आम जनता की मांग क्या रहेगी? मांग ये है कि मतलब जो ना खरीफ फसल को भी मतलब जो ना शासकीय उचित मूल्य में धान को खरीदा जाए करके। अच्छा, खरीफ फसल को भी? हाँ। तो अभी समर्थन मूल्य क्या है अभी? 2500। तो अभी बढ़ाने का कुछ वादा क्या है? अतिरिक्त अभी कुछ 2800 करने वाले हैं। तो क्या कांग्रेस चुनावी वादा है कि मतलब पूरा करेगी? पूरा करेंगे जी। हम मोर? हाँ, तुलसीराम। कहाँ से हैं आप? थोड़ी देर मकान उम्र है। नहीं, कौन गांव से हैं आप? बीजेमाल। अच्छा, तब किसान हैं कि मजदूर हैं? क्या मजदूर हैं साहब, हम तो सुखवासी हैं। अच्छा, जमीन खरीद भी नहीं है कुछ। तो अभी जो कृषि भूमिहीन मजदूर है जो कांग्रेस चला रही है, तो कहाँ मिला है? पता चला है आप? पता है आपके बारे में? पता है, फिर मिला तो नहीं है। अच्छा, तो ग्राम पंचायत में जब हुआ सब चीज़ का आवेदन डाल रहे थे, फार्म वार्म भर रहे हैं तो कागज पूछे हैं तो फार्म नहीं भर रहे, कहते कहते मैं 500 रुपये उधार कर करके दे हैं मैं और बुटिया है और उससे तो बहुत जनदिन है 60-70 आदमी। अच्छा, 500 रुपये आप किसको दे रहे थे? ये जो उप सरपंच है अजय। अजय कौन है? अजय वो पत्रकार है नहीं और कुछ पत्रकार नहीं है? पत्रकार नहीं है, जुड़ा हुआ आपके गांव का है, टुकड़ा पारा में रहता है। अच्छा अच्छा, उन्होंने क्या कहा आपको? भूमिहीन की राशि दिलवा देंगे और उसके बदले आपको 500 रुपये देने होंगे? जमीन दिलाएंगे कहीं। अच्छा, 500 में जमीन दिलाओ बोली? हाँ हाँ। और उसके बाद फिर? उसके बाद तो मिलत नहीं होगी। कितने दिन पहले आपसे ऐसे ले? 4 साल दिए हैं। अच्छा, पेंशन मिलती है आपको? पेंशन मिले थे तो अभी 4-5 महीना हो गए, रुक गए। अच्छा, लगभग 5 महीना से आपको पेंशन? हाँ हाँ, 4 महीना हो गई। सरपंच सचिव क्या कहते हैं पेंशन के बारे में पूछने से? वहाँ से नहीं आए, हम क्या करेंगे भाई, कहते हैं। अच्छा, और सरपंच तो भोजपुर में रहता है, अभी साल दो साल हो गए नहीं आते नहीं है। अच्छा, सरपंच जी भी यहाँ नहीं आते हैं? हाँ। सरपंच जी का क्या नाम है बता दूंगा, खीरमोती। अच्छा, महिला सरपंच? महिला सरपंच है। तो अभी कांग्रेस के कार्यकाल है यहाँ छत्तीसगढ़ में, हाँ। उससे कितना खुश हैं आप? हम खुश हैं। खुश है? हाँ जी जी, हम तो खुश हैं सब दिन, आज ही नहीं। अच्छा, जब हम वोट देते हैं तब कांग्रेस से हम आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आएगी जी? आएगी आएगी।
तो अभी जो है वर्तमान विधायक राजा देवेंद्र बहादुर सिंह है, है ना, तो क्या वो कभी इस गांव में आते हैं? जैसे आपको अभी समस्या हो गई है, आपको पेंशन नहीं मिल रहा है, तो ताकि आप विधायक जी से अपनी समस्या को अवगत करा सकें, विधायक जी से आप अपनी समस्या बता सकें, ऐसा कभी गांव में दौरा करें? तो आपने कभी बताया गाँव की समस्या उनको? आप आते तो नहीं है साहब, मन जाते थे तो बताते हैं ना, जाना तो सका नहीं है जी। ये आपका साथी है, जानते हैं आप इनको? हाँ। बधिर है, शायद कुछ सुनाई नहीं देता इनको। तो मेरा तो सरकार इनके लिए क्या कर रही है, कुछ पेंशन मिलती है या इनके? पेंशन मिलती है इसको भी, और इसको भाई को भी मिलता है। अच्छा, कान के लिए इनको कुछ यंत्र मिला या कभी इलाज सरकार से कान के लिए सुनाई देने नहीं, के लिए? नहीं मिला। या कभी कुछ मांग किए हैं क्या? मांग किए हैं। कहाँ कहाँ गए थे? रायपुर गए थे। अच्छा, रायपुर भी गए थे, किनके पास? अस्पताल अब मतलब जाना नहीं है। अच्छा, वो भी, मैं भी गए हैं। हाँ, रायपुर भी गए थे। हाँ, मैं भी गए हैं। तो आप लोग को पेंशन कहाँ से मिलता है, मतलब खाते में मिलता है कि? हाँ, गाँव में मिलता रही, जैसे कि चॉइस सेंटर। हाँ, वही से भुगतान होता है। हाँ हाँ हाँ, दौला कहें तो कही कि तुम जाओ मोबाइल लेके नंबर। हाँ, कही तुम्हें गए हैं सांकड़ा। अच्छा, अभी चुनाव है आने वाला दिन में, विधायक चुनाव है यहाँ विधानसभा। हाँ, हाँ, तो कौन कौन नेता लोग को जानते हैं आप जो संपर्क कर रहे हैं इधर? हाँ, कौन नेता लोग को? राजा को जानते हैं हमन। हाँ, अरे क्या कर रहे हैं, बसना के जानते जाते। बसना कौन आते जाते? क्या करने का? अग्रवाल है, संपत अग्रवाल। अच्छा, संपत अग्रवाल। अच्छा, एक बार आए हैं आपके गाँव? हाँ, ओके, बार आ गए। ओके, बार आते हैं, हर महीना में एक बार आते। तो इतना जो जनसंपर्क कर रहे हैं संपत अग्रवाल जी, क्या लगता है उसको आने वाले समय में उनको फायदा मिलेगा, जीत दिला पाएगी उनको? नहीं मिला। नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, मेरे को दम नहीं है। क्या कुछ देखते हैं आप अभी छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितना विकास हो रहा है? अभी वर्तमान में गरीब हर गरीब है और किसान हर किसान और अमीर अमीर है। काबर गरीब का में शोषण होते ये महंगाई में। अब साला टमाटर किलो 120 रुपया, 120 रुपया ते कले आमा खोई लाल नहीं खा बोगा कढ़ी सब्जी बना के हैं रेगुलर के। कभी विधानसभा चुनाव है। हाँ, बसना विधानसभा से आप किनको देख रहे हैं, भाजपा से, कांग्रेस से? और अभी तो किन किन नेताओं को जानते? सुनो ना सर जी, हमार विजय मालहर कट्टर कांग्रेसी आए, विजय माल कहले कट्टर कांग्रेसी आए, तो उमन एक प्रकार का हमारे गांव में मीटिंग होते और उमन के आधार से ही चला जाते। अच्छा, मतलब माना कि मैं बोल दी हूँ कि मैं भाजपा वाला हूँ। हाँ, तो मैं उमन के नज़र में कुछ अलग हो गए, आदमी बोला तो भाजपा वाला, लेकिन उगरे लगी मैं कहता हूँ मतदान ऐसे करो, मतदान कि जो अपन दिल से कहा थे कि हाँ भाजपा बढ़िया है तो भाजपा ला दो, कांग्रेस बढ़िया है कांग्रेस ला दो, निर्दलीय बढ़िया है तो निर्दलीय दो, बीएसपी बढ़िया है तो बीएसपी ला दो। अच्छा, ये अपने क्षेत्र के गांव के विकास के लिए मतदान करना कितना जरूरी होता है? मतदान करना बहुत जरूरी है गुरु। अच्छा, क्या कारण बताएंगे आप? कारण का बताऊँ, मतदान करना एक बार जरूरी है कि हमन एक गुट होके कोई बनाना चाहबो, कोई भी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, बोला वोट देना चाहबो, हमारे मन हिचके बन जाही नहीं, वो आदमी हमारे पर कुछ कर ही, और जो मन हिचके नहीं बनीस नहीं, माना कि उदाहरण देता हूँ मैं कि हूँ हम देवेंद्र बहादुर सिंह जीताबो, अभी हमारे विधायक है देवेंद्र बहादुर सिंह जीताबो, उदाहरण के लिए कहता हूँ, और गनीमत देवेंद्र बहादुर सिंह जिता नहीं सकें, आगे अग्रवाल भैया अभी जाकर चांद से बोलते हैं भाई, और वो सही का तो नहीं जानत के, लेकिन ओला सीट मिलने वाला है या मिल गए है कंफर्म मालूम नहीं है संपत अग्रवाल जी को। अग्रवाल भैया अभी देख, अग्रवाल भैया मतलब काबर अच्छा लगते है, वो भारी जो ये जैसे इवन नहीं है इसने मन के भारी सहयोग करते गा, कई झन डॉक्टर फ्री में इलाज करो इसे वहाँ बालाजी बालाजी हॉस्पिटल। उदाहरण का दो भाई, मोर भाभी कैंसर पेशेंट रहीस, ओकरो घोले सहयोग करे बेचारा है। अब माना कि हम अग्रवाल भैया जिताबो कबो, उन्हें जिता नहीं सकबो नहीं, तो नुकसान हमरे मन के तो वही, जोन गरीब मल देखत है उला ही जिताना चाहिए, जानेगा।
और अभी ले हम नहीं कहन कि हम कांग्रेस के पार्टी में जाबो कि भाजपा के पार्टी में जाबो कहके कोई, लेकिन जो गरीब वर्ग का फायदा कर हाँ, रहे हैं गरीब ला देखे जी गरीब ला देखे जी अभी गांव देहात में ज्यादा से ज्यादा 150 रुपया रोजी रहते रोजी 150 दे आदमी एक दिन में 150 रुपया कमाते है और हफ्ता में रेगुलर काम थोड़े ना मिलत है, हफ्ता में 4 दिन मिलत है तो और 120 रुपया 45 किलो लखा ही तो लोग लेके अब काला बचा ही पढ़ाई लिखाई में काला क्या वजह है कि आप लोगों को पलायन करके छत्तीसगढ़ घर छोड़ना पड़ता है या गरीब सबके रेट बढ़त है लेकिन हमारे वर्करेज मन के रेट काबर नहीं बढ़त भाई काम कर रहे तो क्या छत्तीसगढ़ शासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है कि लोगों को पलायन न करना पड़े यही रोजगार मिल जाए गाँव में रोजगार गारंटी चलते सरकार मतलब माना था एक ले मतलब किसानों को धान को उचित मूल्य बहुत सा सुनो तो गा लेकिन मजदूरों हाँ, को क्या उचित मूल्य दिलाना चाहिए वो तो दिलाना चाहिए और एक ठन प्लस स्कीम कई कर बनाया है सरकार हर लेकिन स्कीम आम जनता तक पहुंचत नहीं है उदाहरण के लिए बताओ अभी कर्मगार पंजीयन करवाए हैं मन कर्मगार पंजीयन के तहत कई जन आवास मिलत है हमला पता नहीं है लड़का मतलब छात्रवृत्ति मिले थे हमला पता नहीं है जबकि हमारे 5 साल पुराना कर्मगार पंजीयन करवा रहे हैं सहयोग राशि छोटे छोटे लड़का मतलब मिले थे कभी पुस्तक जाकर जाकर दूठ लड़का है जो भी मिस्त्री संघ के भाई मन है जो कर्मगार पंजीयन करवाई है उमन के दूरी छोटे छोटे लड़का नहीं है हाँ उमन ला यहाँ तक के ये पुस्तक कापी लेबर सहयोग राशि मिले थे लेकिन हमला पता नहीं है